बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फला किचन। फला के किचन में आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी भिंडी, सिंपल देसी भिंडी है। और ये हमने क्या किया है, सबसे पहले डाल दिया है हमने एक पल्ली तेल, ठीक है जी। इसे अच्छे से थोड़ा सा होने दीजिएगा। देन आपने क्या करना है, इसमें बिल्कुल ही रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं, ठीक है जी। नॉर्मल साइज़ के हों तो दो और बड़े साइज़ का हो तो एक, ठीक है जी। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए, बस दैट्स इट। और जब तक मैं इसे भून रही हूँ, आपने क्या करना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। इसी के साथ मैंने ले ली थी भिंडी, आधा पाव से भी कम भिंडी थी, हमने इसे दो दाग के रख लिया था। और इसे आपने गोल टायर में काट लेना है और इसे आप अच्छे से मिक्स करते रहें जब तक इसकी लेस ना जल जाए। इसकी लेस जल जाएगी, इसके बाद ही आपने आगे अपना सारा प्रोसेस करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर आपको लगे कि लेस नहीं जल रही, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर लेस वाली ही खाई जाती है, अगर ना हो तो आप सोया सॉस डाल दें, और अगर ऐसा ही है तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। मतलब सोया सॉस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको विदाउट लेस वाली खानी है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा नहीं खाई जाती, फिर भिंडी क्यों खा रहे हैं अगर हम लेस नहीं खाएंगे तो फ़ायदा। खैर, तो हमने इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। देन हमने क्या किया था, थोड़ा सा लेस थोड़ी सी जलाई है, इतनी भी नहीं कि मतलब फारीगी हो जाए भिंडी, भिंडी का मतलब ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है जी। इसे हमने अच्छे से मिक्सअप करना है। देन हमने यहाँ पर लिया था लहसुन, ज़ीरा और नमक, इसको हम इस सब चीज़ों को मैंने हमाम दस्ते में पीस लिया था, और इसे भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। लहसुन को 6 से 7 कलियाँ थी बस, इससे ज़्यादा लहसुन भी नहीं डाला था। पिंच मैंने ज़ीरा डाल दिया था, और सॉल्ट तो आपकी मर्जी है जितना आपने डाला हो। मेरी बिल्कुल थोड़ी सी भिंडी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा आप अपनी भिंडी कितनी आपकी भिंडी होगी, ठीक है जी। उस हिसाब से आपने ऐड करना है या कम करना है या ज़्यादा करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरीके से हो गई थी। देन मैंने यहाँ पर डाल दी थी 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च, और फिर मैंने थोड़ी सी पिंच ही डाली थी हल्दी, ठीक है जी। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं। देन मैंने क्या किया है, इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लेंगे, जब तक आप आपने किया या नहीं सब्सक्राइब, आप भूल जाते हैं भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या किया, हाफ़ जो पैकेट होता है दही का, आधा पाव का, उसमें से भी हमने थोड़ी सी दही ले ली है, और इसमें हमने मिक्स कर लेना है। सारे मसालों की खुशबू भी आनी शुरू हो जाएंगी और दही भी चली जाएगी, तो ये बड़े मज़े की बन जाएगी। ज़रा देर में भिंडी, कोई 10 से 15 मिनट भी पूरी नहीं लगी थी, क्योंकि भिंडी है और कुछ थोड़ी है ना, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो साबित धनिया होता है इसको मैंने कूट लिया था बेलन की मदद से, ठीक है। इसको हमने सिर्फ कूटना है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे देखें, बिल्कुल एंड आ रहा है तब मैंने इसमें डाल दिया है धनिया, ठीक है जी। और ये बड़ा मज़े का लगता है जब आप भिंडी खाते हैं ना, तो उसके टेस्ट और फ्लेवर बड़ा मज़े का निकल कर आता है, ठीक है जी। तो आपने इसे दोबारा से थोड़ा सा भून लेना है ताकि भिंडी जो है वो थोड़ी सी गल भी जाएगी, और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी इस तरीके से, और ये बड़ी मज़े की लग रही थी, और ये मैं खा भी चुकी हूँ अब तक क्योंकि मेरे डेली का अगर सुबह का लंच होता है तो उसमें मेरा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाए तो देन समझे आपकी आपकी भिंडी रेडी हो चुकी है। इंजॉय करें, रोटी के साथ अचार बना लें गाजर का और चटनी बना लें, आए हाय क्या मज़े, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो, रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।